नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर उत्तराखंड एक्सप्रेस पर। विकासनगर में भाजपा जनजाति मोर्चा के द्वारा गढ़वाल सभा में एक कार्यक्रम किया गया। जनजाति के भगवान बिरसा मुंडा वीर सहित केशरी चंद और अनंतराम नेगी के चित्र के आगे पुष्प चढ़ाकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। लालकुआ क्षेत्र अंतर्गत बिंदुखता स्थित शीशम भुजिया में दो विशालकाय लंबे सांप एक घर में घुस आए, जिसे देख लोगों में अफरातफरी का माहौल बन गया। वन विभाग की टीम ने सांपों का रेस्क्यू कर उन्हें जंगल में छोड़ा। खटीमा के कोटरा गांव के निवासी व SBI ATM गार्ड भगवान सिंह भंडारी की 8 अगस्त 2019 को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में CBCID ने खुलासा करते हुए थाना परिसर से ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। खटीमा के गांव सुजिया निवासी विक्रम सिंह राणा ने विपक्षी गणों से आवास व जमीन संबंधी विवाद में सिविल कोर्ट खटीमा द्वारा पारित स्थगन आदेश का अनुपालन कराने के लिए 6 जून को SDM खटीमा को प्रार्थना पत्र दिया था। इस क्रम में 7 जून को विपक्षी गणों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि विक्रम सिंह राणा आदि लोगों ने मारपीट की है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए चालान काटे। हम अपने घर पे काम कर रहे थे और पुलिस वाले उन्होंने फोन किया कि मतलब विक्रम ने हमारा सर फोड़ दिया और पुलिस वालों ने आके हमें डांटा कि मतलब क्यों लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, ऐसे करके फिर उठा के ले गए। फिर उसे क्या कहते हैं विक्रम को थाने में मारा 2-3 थप्पड़ और उनके पक्ष का बाहर फिर रहा है और स्टे ऑर्डर भी मिल रखा है हमें और हमें पकड़ के ले गए। हम कोर्ट ने देखिए माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन खटीमा द्वारा एक आदेश किया गया, इंटरिम ऑर्डर उन्होंने पास किया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि वादी के जो जहाँ पर वो रह रहे हैं उसमें विपक्षी द्वारा किसी प्रकार से हस्तक्षेप न किया जाए। उसी के अनुपालन में हमने थानाध्यक्ष को ये आदेश किया था कि इसका अनुपालन किया जाए। जितना भी संज्ञान में आया कि उनके द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जाए तो इसमें हम कार्रवाई करेंगे। उनसे भी हम आंसर पूछेंगे कि क्यों उनके द्वारा इसका। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने श्रीकंठ पर्वत पर्वतारोहण अभियान दल के सदस्यों को सुभाष रोड स्थित कैंप कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पर्वतारोहण अभियान का उद्देश्य पौधारोपण, पॉलीथीन के उपयोग से बचने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। प्रदेश में सबसे गर्म रहा हरिद्वार, जहां 42.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी देहरादून में पारा 40.2 डिग्री तक पहुँच गया। पीठा मंडी के पास रेलवे ट्रैक के किनारे खंडहर में मिला महिला का अधजरा शव, इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। सतर्कता अधिष्ठान देहरादून के टोल फ्री नंबर 1064 पर कानून गो मोतीलाल द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने के संबंध में वार्ता कर मामला रजिस्टर कराया गया। सरकारी स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया कानून गो। और अब बात करते हैं आज की खास खबरों की। दून अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगा रहे थे, जिसके चलते उनका वेतन रोक दिया गया है। दून मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में शासन के आदेशानुसार बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है, लेकिन डॉक्टर और मेडिकल कर्मचारी अभी भी बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। बायोमेट्रिक और HOD की ओर से भेजी जाने वाली हाजिरी में हर विभाग में 5-10% का अंतर पाए जाने पर सभी 235 डॉक्टरों और 290 मेडिकल कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। वहीं प्राचार्य द्वारा सभी HOD से बुधवार शाम तक जवाब देने के लिए कहा गया है। सभी के जवाब मिलने और उससे संतुष्ट होने के बाद ही वेतन जारी होगा। लापरवाही मिलने पर कुछ डॉक्टरों और कर्मचारियों का वेतन भी कट सकता है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में 24 प्रोफेसर, 3 एसोसिएट प्रोफेसर, 74 असिस्टेंट प्रोफेसर, 27 SR, 58 JR, 18 ट्यूटर और 4 EMO डॉक्टर हैं। वहीं 150 नर्सिंग, 80 चतुर्थ श्रेणी, 60 लैब, रेडियो तकनीशियन, लिपिक संवर्ग और फार्मेसी संवर्ग के कर्मचारी हैं। नियमित और संविदा के तहत महीने के 1-7 तारीख तक उनका वेतन जारी हो जाता है। बायोमेट्रिक हाजिरी के प्रति कई डॉक्टर और कर्मचारी तो इतने लापरवाह हैं कि उन्होंने इसके लिए अभी पंजीकरण ही नहीं कराया है। यह रूल बनाया गया है कि अगर कोई कर्मचारी छुट्टी पर है तो HOD को लिखकर देना होगा, उसके बाद ही छुट्टी अप्रूव हो पाएगी। इसके अलावा बायोमेट्रिक सिस्टम में भी छुट्टी जाने से पहले जानकारी अपडेट कराई जा सकती है।
विकासनगर में एक 13 साल की नाबालिग की शादी करवाई जा रही थी, तभी बाल विकास परियोजना अधिकारी तरुणा चमोला ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग की शादी रुकवा दी है। विकासनगर के जीवनगढ़ स्थित एक नाबालिग लड़की का विवाह कराने की तैयारी चल रही थी, तभी मौके पर बाल विकास परियोजना अधिकारी तरुणा चमोला अपनी टीम के साथ पहुंची, जहां उन्होंने बालिका के परिजनों से उसकी उम्र के दस्तावेज मांगे तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, आधार कार्ड बना था वह अभी खो गया है। वहीं परिवार रजिस्टर व राशन कार्ड के आधार पर लड़की की उम्र 13 वर्ष पाई गई, जबकि लड़की के परिजन कह रहे थे कि लड़की की उम्र 17 वर्ष है। वहीं बाल विकास परियोजना अधिकारी तरुणा चमोली ने आंगनवाड़ी सुपरवाइजर को लड़की की उम्र के दस्तावेज जुटाने के लिए कहा है। श्रीनगर गढ़वाल स्थित राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय अब 200 ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तलाश कर रहा है जो ना तो कभी सुर्खियों में आ पाए और ना कोई उनके बारे में जानता है। ऐसे शख्सियतों के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाने के साथ उन पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाएगी। 200 जो अनसंग स्वतंत्रता सेनानी है उनके बारे में डॉक्यूमेंटेशन करना है। जगह जगह जाएंगे गढ़वाल क्षेत्र के अंदर और उनकी जो स्टोरीज हैं वो कलेक्ट करके लाएंगे, साथ में डॉक्यूमेंट्री भी बनाएंगे, क्योंकि किसी के वंशज या किसी के परिवार वाले अगर मौजूद होंगे तो वो उनके बारे में बता सकेंगे, क्योंकि अधिकतर स्वतंत्रता सेनानी तो शायद उपलब्ध नहीं होंगे। लेकिन ये एक तरह का नवीन कार्यक्रम है जो खोज पर आधारित होगा। कलजीखाल ब्लॉक में मुंडेश्वर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पौड़ी विधायक ने शिरकत की। कलजीखाल ब्लॉक के प्रसिद्ध मुंडेश्वर मेले में पौड़ी विधायक ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। 2 वर्षों तक कोविड महामारी के चलते मेले को भव्य रूप नहीं दिया गया था, लेकिन इस वर्ष इस मेले में दूर दूर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने कहा कि यहां पर जो सड़क व पानी की समस्या जनता द्वारा उठाई गई है उसका जल्द समाधान किया जाएगा। ये जो मेला है क्षेत्रीय समिति द्वारा आयोजित किया गया है और ये हर वर्ष होता था, लेकिन कोरोना काल की वजह से 2 साल से नहीं हुआ और आज ये जो है 2 साल के बाद यहाँ पर मेला हो रहा है और बहुत भीड़ है इसमें। इस मेले में बहुत भीड़ है क्योंकि इस समय जो है बाहर से लोग, सब लोग बाहर गांव में आ रखे हैं बाहर से, उसकी वजह से जो है यहाँ पर भीड़ बहुत अच्छी दिखने को मिल रही है। और जो यहाँ की समस्याएँ रोड की है, पानी की है, ये समस्याएँ तो आई हैं, इसके लिए आगे जो है भविष्य में समाधान किया जाएगा। जो मंदिर तक आने वाली सड़क है इसके लिए बारे बोला गया है, इसको डामरीकरण के लिए इसके लिए बात आई है, इसके लिए प्रयास करेंगे। ग्वालदम नंद केसरी मोटर मार्ग में करीब 8.5 किलोमीटर तक सड़क पर PMGSY के तहत NPCC के द्वारा पार्ट 2 का कार्य कराया जा रहा था, लेकिन इस दौरान सड़क निर्माण में भारी अनियमितता पाई गई है। धामी सरकार में अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। सड़क निर्माण में NPCC के द्वारा भारी मात्रा में अनियमितता देखने को मिल रही है। ठेकेदार और NPCC के मिलीभगत से पैराफिट के निर्माण कार्य में मिट्टी का भारी मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। ग्वालदम नंदकेसरी मोटर मार्ग में करीब 8.5 किलोमीटर तक सड़क पर PMGSY के तहत NPCC के द्वारा पार्ट 2 का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन दीवारों के निर्माण, सोलिंग सहित अन्य कार्यों के लिए ठेकेदार द्वारा बिना अनुमति के जमकर ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे लाखों रुपए की वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। पूछिए यहां पर खनन हो रहा है और क्या बोलूँ उसके नाम, जो यहाँ पर ये ट्रैक्टरों में जो है अवैध मतलब पत्थरें ढोले जा रहे हैं और जो यहाँ पर जो है विस्फोट हुआ है और इसी के जानकारी से गांव वालों की कहने से कई लोगों की बीच में यहाँ मतलब बातचीत खराब चल रही है और इस कारण जो है वन विभाग के जो हमारे यहाँ पर डिप्टी रेंजर आए थे उनके सामने ही जो ये ट्रैक्टर में मतलब पत्थरें ढुलान करने वो भी मतलब सब चीज करने के बाद भी यहाँ पर जो है विस्फोट हुआ है। थाना काशीपुर क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी आशीष भारद्वाज के पर्यवेक्षक में थाना प्रभारी मनोज रतोड़ी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना काशीपुर में कल मोबाइल चोरी की 4 घटनाओं का खुलासा 24 घंटे के भीतर किया है। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से लुटी हुई 14 मोबाइल, 1 बुलेट, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचा व चाकू बरामद किया गया है।
गढ़वाल सभा भवन में चैरिस चैरिटी फाउंडेशन द्वारा 44वीं राष्ट्रीय आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड की ओर से सीनियर वर्ग में जितेंद्र सिंह चौहान गोल्ड मेडल और जूनियर वर्ग में उनके पुत्र अगस्त्य चौहान द्वारा रजत एवं कांस्य पदक जीतने पर एक सम्मान समारोह गढ़वाल सभा में आयोजित किया गया। इस दौरान जितेंद्र सिंह चौहान और उनके पुत्र अगस्त्य चौहान को पुष्प गुच्छ भेंट कर और शॉल उठाकर सम्मानित किया गया। तैयारी मेरे पापा ही करवाते थे मेरे को, मतलब कि पापा करते थे कि सपोर्ट करते थे, तो पापा का सपोर्ट इतने महीने मिल ले, अगर मैंने एक चीज़ देखी, अगर घर से सपोर्ट ना हो तो वो चीज़ करने का मज़ा नहीं आता। और प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ईजी आपके लिए अच्छी रहेगी। रुड़की में पूर्व सैनिक द्वारा लगाए गए आरोपों को नकारते हुए चिकित्सक ने पत्रकार वार्ता कर अपनी जान का खतरा बताया है। चिकित्सक ने आरोप लगाया कि पूर्व सैनिक झूठे कागजातों के आधार पर समाज के लोगों में भ्रम पैदा कर रहा है। आपको बता दें कि दो दिन पूर्व पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व सैनिक राजवीर सिंह ने एक चिकित्सक अजय जैन पर उनके मकान पर बुलडोजर चलाकर तोड़ने और उसमें रखा 80 लाख का सामान नष्ट करने का आरोप लगाया था। सर वो आरोप निराधार लगा रहे हैं, उनको ये मालूम है कि ये भाई बाहर नौकरी करता है, ये अनमैरिड है, इसके पास बाल बच्चा कोई नहीं है, फैमिली की सपोर्ट नहीं है। ये झूठे आरोप लगा के डरा के धमका के ये चाहते हैं कि ये डॉक्टर यहाँ से भाग जाए और हम इसकी जमीन कब्जा लें। अभी तो स्ट्रक्चर तोड़ के एक तो मंदिर बनाएंगे, शिव मंदिर, जो मेरी दिल की तमन्ना है। एक छोटा सा मैं अपना घर बना लूंगा, क्योंकि मेरे पास कहीं और कोई जमीन नहीं है, कोई घर नहीं। अभी तो मैं ये इसलिए नहीं बता सकता, मेरी जान को रिस्क है, क्योंकि इन्होंने, इनके बड़े लड़के, छोटे लड़के ने जान से छाती पे गोली मारने की धमकी दे रखी है। मेरे साथियों को भी मैं ये नहीं बता के जाता कि मैं कहाँ रुकूंगा, रात कहाँ काटूंगा। मसूरी में मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ दो के 70 साल के शासन को पूरे होने पर उनको शुभकामनाएं दी। वहीं उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को पत्र लिखकर उनके पिता आरजीआर भारद्वाज द्वारा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की बनाई गई जन्म कुंडली की मूल कॉपी भेजी है। उन्होंने कहा कि उनके पिता ज्योतिष विद्या के विद्वान थे और उनके द्वारा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की 20 मई 1953 में बनाई गई जन्म कुंडली में स्पष्ट कर दिया गया था कि महारानी एलिजाबेथ का शासन ऐतिहासिक रहेगा। धरोहर है हमारे देश की, हमारे देश का, जैसे मैंने आप बताया, हमारे ये इंग्लैंड के राज दरबार के लिए भी बहुत बड़ी बात है और भारत के लिए, कि जो हमारे भारत के एक ज्योतिष ने जो भविष्यवाणियां उस समय की थी वो 100% सही हुई है। तो ये तो बहुत प्राचीन विद्या है हमारे देश की, उसको संभालना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। सरकार इसमें ज़्यादा ध्यान देती नहीं, लेकिन अभी अभी जब तक हम जीवित हैं तब तक हमने संभाला है, लेकिन इसको कोई ना कोई तो संभालना चाहिए। इतनी इसमें, जैसे मैंने आपको दिखाया, कितने बड़े बड़े जो व्यक्तित्व थे देश के, उनका, उनके उसमें, चाहे श्री राम जी हों, चाहे श्री कृष्ण जी हो, गौतम बुद्ध हो, अकबर हो, और क्वीन विक्टोरिया, जिनकी सबकी जन्मपत्री रखी है, तो ये तो एक तरह से धरोहर है हमारे देश के लिए। सरकार को लेना चाहिए, सरकार को इस तरह से कोई व्यवस्था करनी चाहिए जिसका संरक्षण हो सके, और ये इसका आने वाली पीढ़ियों के लिए इसको संरक्षित जरूर, निश्चित रूप से इसका संरक्षण होना चाहिए। कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी एक निजी कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे, जहां पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि विभाग में उनके द्वारा कई बदलाव किए गए हैं जिससे कि कृषि किसानों को लाभ मिल सके। उन्होंने प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए काम किया जा रहा है, जिससे कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा। अपने केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय तोमर जी और अपने प्रदेश के मुखिया, जिन्होंने कल ऐतिहासिक विजय हासिल की है, उसके संग धामी जी का, कि लगातार वो किसानों को आय को दुगने की बात करने की बात कर रहे हैं। जहां किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमने किसानों को मजबूत करने का काम किया है, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, 2000 रुपया किसी के लिए किसान प्रोत्साहन राशि, उसको हमने अपने अपने राज्यपाल के भाषण में उसको हमने शामिल किया है। उसके लिए धन की व्यवस्था बजट में हम कर रहे हैं और शीघ्र ही किसान सम्मान निधि की बात की, किसान प्रोत्साहन राशि यहाँ के किसानों को मिलेगी, जो इनकी आय की दुगनी करने में एक सार्थक कदम होगा।
हरिद्वार के शिवालिक नगर कॉलोनी के L15 क्लस्टर में एक ज्वेलरी शॉप पर 6 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, जिसमें से व्यापारी द्वारा एक बदमाश को मौके पर ही पकड़ लिया गया। बाकी 5 बदमाश भागने में कामयाब रहे। वहीं लूट की घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। फिलहाल पुलिस द्वारा CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे कि बदमाशों की धरपकड़ की जा सके। दुकान पे सीधे साधे बैठे थे, 2 मोटरसाइकिल पे 6 जने थे, तीन तीन जने बैठे हुए थे गाड़ी पे, और उसके बाद उसमें से 3 जने एकदम गाड़ी के अंदर घुस गाड़ी पे से उतर के दुकान में घुसे और तीनों पे इकट्ठे थे। तीनों ने ताने हमारे पर, कहने लगे सामान भरो। मैंने उनको मुंह को देखा, मैंने कहा क्या हो रहा, तो मैं उनकी तरफ को देखने लगा। उन्होंने मेरे 1-2 मुक्के मारा और उसके बाद उन्होंने पिस्तल कट्टे तान रखे थे मेरे पे। तो मैं थोड़ा सा आने का नहीं सी कर रहा था, सोच रहा था कि भाई मैं क्या करूं। तो इतनी देर में उन्होंने एक ने मेरे सर में जो है बट मारी उसकी कट्टे की, और उसके बाद जो है बस मैं भरता भरता, मैंने सोचा था तो सब हमारा सारा सामान ले ही जाएंगे। मैंने जो है उसको बस एकदम से जो है उस पर अटैक कर दिया, और हम 2-3 जने बैठे हुए थे तो बस उसको पकड़ लिया। और बाकी के वो जो इसको छुड़ाने के लिए एक बंदा और उसका कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जान बचा के वो भी भाग गया। देखिए इस बार जो घटना हुई है उसमें जो व्यापारी हैं उन्होंने साहस का परिचय दिया, उनको चोट भी आई, उसके बावजूद भी एक बदमाश को पकड़ लिया है और उससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जल्दी बाकी भी बदमाश हैं, उनको पकड़ा जाएगा और इसका खुलासा। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए हरिद्वार से रामपाल सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।